तो आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। ये बता दो भैया ना, तुम्हारे बैकलॉग हो जाते थे तो क्या करते थे, या फिर बैकलॉग होने नहीं देते थे, या फिर कभी बैकलॉग हुए हुए तो फिर उनको कैसे डील करा? किसी भी कारण से बैकलॉग हो गए, स्कूल में एग्जाम आ गए, या फिर बीमार पड़ गए, मक्कारी मार दी बीच में, मान लो कुछ हो गया हो कि दिमाग नहीं करना, नहीं पढ़ाई करनी, क्या हुआ भाई बताओ। ओम तुम्हारा बताओ, बैकलॉग से रिलेटेड कोई सीन रहा है क्या? बैकलॉग से रिलेटेड सर दो सीन रहा है, ये दो सीन 4 बार हो चुके हैं, मतलब हो दो चुका है, साल के मतलब बैकलॉग मुकाबले। हुए थे। चलो हाँ, तो ठीक एक है। तो 11th क्लास का जो एग्जाम होता, लास्ट का एग्जाम हुआ था, तो उस समय बैकलॉग हो गए थे क्योंकि उन लोगों ने 2 महीना खींच लिया था, मतलब। अच्छा, स्कूल लेकिन एग्जाम के जैसा दौरान हो जैसा गए थे, है ना? ठीक है, हाँ हाँ 2 महीना पूरा स्कूल जाना ही पड़ा था, और मतलब तो दो पूरा महीने की रेगुलर क्लासेस मिस कर दी थी तुमने, हाँ अकेडमी की क्लासेस नहीं, शाम को होती थी कर लेता था, लेकिन वही है होमवर्क ना, वगैरह। सुबह 7 बजे से अगर मैं 3 बजे तक स्कूल में हूँ तो मेरे को उस टाइम पे रिवाइज करना होता था या क्वेश्चन करने होते थे, तो मेरा डीपीपी छूट गया। और आप तो बोलते थे कि भाई रोज का काम रोज का करो, और एक एक तो मन में लगता था कि यार मेरा मतलब किस तरीके से रैंक गिरेगी या कुछ होगा, लेकिन फिर ठीक है, अब होता है, उसको मैं वो अनअवेटेबल इशू है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, जाना तो पड़ेगा, मतलब मैंने चूज कर लिया उस चीज को, स्कूल ज्वाइन है तो मैं बीच में नहीं छोड़ सकता कि मम्मी मेरा उस कारण से नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक तो है। वो तो करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद 2 महीने के बाद, जैसे कि संडे को टाइम बच जाता है, संडे को टाइम हमेशा बच जाता था, तो उसमें लेक्चर देख लिया, जो डीपीपी छुट्टी है वो वाली डीपीपी कर ली, तो ऐसे ठीक है। करके 2 महीने का जो बैकलॉग होता था वो 1 महीने में कैसे भी, किसी भी बैकलॉग को 1 महीने से ज्यादा खींचने नहीं दिया, ठीक है, वेरी गुड। ये स्कूल वाला था। दूसरा हुआ कि एक बार कोविड भी हो गया था, कोरोना भी आ गया था, पापा का ओ एक्सीडेंट भी हो गया था, तो ओके उसमें ओके, ठीक फिर 2 3 महीना, है। मतलब उस समय तो मेंटली डिप्रेस हो जाता है बंदा कि यार घर में कंडीशन अच्छी नहीं चल तुम्हारे रही दो है तीन उसके। महीने हो गए थे। हाँ, कोविड हो गया था, फिर दूसरी जगह भी गए, हॉस्पिटल हॉस्पिटल गया, मतलब क्या हो गया सीवियर था हो गया था अच्छा तुम्हें, खासा। सीवियर था केस? नहीं, उतना सीवियर नहीं था, लेकिन पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे को भी जाना पड़ा हॉस्पिटल, मम्मी के साथ जाकर रुकना पड़ा था ठीक है, एक रात, वहां जाकर के अभी सब फिर सही घर है? इतना क्या सर। अभी सही है सब कुछ? हाँ अभी सही है, मतलब उस समय 3rd लंबर में फ्रैक्चर आ गया था, फिर उसके बाद फिर मम्मी आई, मतलब सिटी से आई रायपुर से, तो फिर वहां से वो इन्फेक्शन लेके भी आ गई, तो घर में भी सबको हो गया, तो उसमें भी खिंच गया, अच्छा, लेकिन दोनों उस चीज़ें एक साथ पॉइंट हो गई पे थी, हाँ दोनों चीजें, एक्सीडेंट भी हो गया था और ये भी हो गया था, तो वो तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा हाँ होगा। रहा, ये तो 11th के दौरान वैसे हुआ था, 12th के दौरान हुआ था? नहीं, जब 11th खत्म हो गया था 12th चालू हुआ था, ठीक और है, आप उस तो समय उस कंडक्टर पढ़ाते, कंडक्टर का जो आप जो 5 मंत्र नहीं पढ़ाते हैं, जो उस वही लेक्चर में लेटर लेटर देख रहा था, तो उस अच्छा वही वाला अच्छा पार्ट तुम तब था। भी लेक्चर देखे थे तुमने, हाँ लेटर लेटर तो देख ही सकते हैं वो, नहीं तो फिर नोट्स बाद नहीं बनाते में होगे, तो देखना ही पड़ेगा नोट्स नहीं बनाते वो, ना? ऐसा कुछ। हाँ नहीं, नोट नहीं, ठीक नोट है, बाद में बना लिया। तो फिर बाद में तुमने उनका बैकलॉग कवर करा है। हाँ बाद में, लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे को 0 था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलोगे तो इजी वाला तो हो ही जाएगा, लेकिन हाँ कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे तो उस टॉपिक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मेरा उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि मेरा कंसेंट्रेशन उस समय पर मात्र 40% या 40% था, ठीक है, पर उनको फिर तो बाद में तुमने करा। हाँ बाद में किया, बाद में तो मेरे पास टाइम बच गया था, तो आप 2023 का एमसीक्यूज बैच पढ़ा रहे थे, उस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रोसेट के लेक्चर भी देख चुका था, देख ओके, रहा था 2023 वेरी के एमसीक्यूज बैच के लिए, मैं 2022 का नीट वाला देख रहा था क्योंकि मेरा सिलेबस हो गया था। चलो, अच्छी बात है। तो तुमने वहाँ पे फिर आके कवर कर लिया ना? हाँ फिर वहां से ठीक है, कवर कर दूसरे कोर्स लिया में तुमने पूरा स्टार्टिंग कवर कर का। लिया था, फिर पूरा कवर कर लिया था तीनों सब्जेक्ट में? हाँ फिर तो हाँ, चलो, फिर वेरी कवर, गुड। तीनों सब्जेक्ट के प्रॉब्लम ही नहीं था, बायो में तो मैक्सिमली हो ही जाता है, अपने से ठीक है। एनसीईआरटी ही रहता है, अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता, और एनसीईआरटी पता है तो सर डर नहीं लगता है, लेकिन ठीक है। फिजिक्स में रहता है ना कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था एक कठिन वाला, कंडक्टर का वो वाला सर ने जो क्लास में करा था वो वाला आ गया, और मेरे से नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ठीक है फिजिक्स में ही मेन रहता है कि ठीक है ध्यान से नहीं पढ़ने से बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अच्छी बात है। पर बैकलॉग तुमने जो कवर करे, जो बड़े बैकलॉग हुए थे, तो वो सिलेबस पूरा खत्म करने के बाद कर रहे थे कि जब करंट टॉपिक चलते तो उसके साथ तुम कवर कर रहे थे, और वो करंट टॉपिक के साथ कैसे कर रहे थे? क्योंकि करंट टॉपिक के साथ तो ऐसा होता है ना, समय मिल ही नहीं रहा है, और तुम तो स्कूल भी जा रहे थे, तो करंट टॉपिक फिर कैसे करा तुमने, मतलब कवर किस तरह से करा बैकलॉग कवर? करंट टॉपिक के साथ कवर किया था स्कूल वाला बैकलॉग, ठीक है, एक तो बोर्ड एग्जाम वाला 11th क्लास का समझ गया एग्जाम वाला, तुम्हें। और दूसरा 12th क्लास का एग्जाम वाला। 12th का ऐसे एग्जाम में प्रैक्टिकल्स भी होते थे, और सर की क्लास 11:15 से होती थी, और मेरे को वो 10 बजे प्रैक्टिकल देने के लिए जाना पड़ता था, तो वो वाला क्लास छोड़ के मैं आता था 2 3 बजे, और तुरंत फ्रेश होकर तुरंत से उसकी रिकॉर्डिंग उसी दिन देख लेता था, अगर उसकी रिकॉर्डिंग में अगले दिन देखने के लिए छोड़ दूंगा तो फिर वो गया, फिर लंबे में खिंच अच्छा, जाएगा, क्योंकि ठीक वो है। ऐसा टाइम था कि वो 2022 ही चल रहा था उस समय जब मैं 12th क्लास में था, तो 12th क्लास वाला बैकलॉग तो उसी दिन का उसी दिन,
लेक्चर छोड़ा देखो खत्म करो, लेक्चर छोड़ा देखो खत्म करो। और उस पॉइंट पर मैंने 11th पूरी कर रखी थी तो एप्टीट्यूड वगैरह तो था ही ढंग से, मतलब ज्यादा समझने में मुश्किल नहीं आती थी। 11th क्लास में समझने में मुश्किल आती थी और बैकलॉग में मुश्किल आती थी, तो उसका बैकलॉग तुरंत तुरंत नहीं हुआ, एक महीना खिंच गया। ऐसा नहीं कि आज का लेक्चर छूटा तो आज शाम आपको देख लूंगा, नहीं, वो खिंच गया। मतलब एक चैप्टर है कि नहीं मेरे को ये चैप्टर नहीं आता, बाद में पढ़ता। ठीक है चलो, अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड है, वेरी गुड। तुम्हारा बताओ गौरी, तुम्हारा कभी कोई बैकलॉग हुआ था, कुछ हुआ था ऐसा प्रिपरेशन के दौरान? सर मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था सेप्टेम्बर में, तो ट्वेंटी ट्वेंटी मेरा हाँ राइट, हाँ 2020 राइट ना? हाँ तो मेरा ऑलरेडी काफी बैकलॉग था। आप शायद तब हीट इंजन पढ़ा रहे थे तो ठीक है। अराउंड तुम्हारा 2 मंथ का, सितंबर में करता, अगस्त जुलाई, 2-3 महीने का बैकलॉग होगा तुम्हारा, है ना? हाँ, ठीक है। तो वो एक सितंबर अक्टूबर ये जो मंथ था ये बहुत ही मुश्किल से बीता था। बहुत बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऊपर से 2x स्पीड, तो मुझे आई वॉज 2x स्पीड पे गेटिंग रिकॉर्डेड देखते थे तुम, तो हाँ समझ पाते मैं थे तो हाँ मैं बहुत और साथ में नोट्स भी मेरा बनाते थे? हाँ भाई तो भाई, जो लोग मतलब बोलते हैं कि लाइव क्लास के साथ नोट्स कैसे बनाएं, तो सुनो ये ना, है ना, मतलब 2x पे देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो साथ में, ठीक है बताओ आगे। 2x किया है मुझे, और जैसे पूरा पूरा दिन हो जाता था, मैं आपके 4-5 लेक्चर्स देखी है 2x पे, फिर अरे जब आपकी लाइव क्लास आती थी तो हाँ, ऐसा लगता था आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। अच्छा अरे अरे समझ रहा हूँ भाई, समझ रहा हूँ, तुम 2x पे तो देख रहे हो, फिर हाँ एकदम से लग रहा है कि स्लो मोशन में चल रही दुनिया। अच्छा ठीक है तो हाँ। तब नींद भी बहुत कम होती थी। ओ ओके, कितनी देर सोते थे? आई थिंक 2-3 घंटे मैंने एक महीना ऐसे बिताया। सीरियसली, एंड कभी योर पेरेंट्स अलाउड इट? मतलब मैं तो बिल्कुल अलाउ नहीं होने देता अगर मुझे पता नहीं, होता, मतलब इतना बुरा भी नहीं हाल था, कभी दिन में सो गई, जब भी टाइम मिला सो गई। है ना? एक वो कुछ एक महीना था जो बहुत टफ था, बहुत टफ था वो। ठीक है। तब मैंने और तुमने केमिस्ट्री ठान का लिया था कि तुम्हें बैकलॉग, बैकलॉग पूरा कवर करना ही है, ठान लिया था पूरा? हाँ बिकॉज चलो ठीक है। उसके बिना चीजें कुछ समझ नहीं आ रही थी क्लास में। बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ बेसिक मैथ्स और न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन वो सब थोड़ा इम्पोर्टेंट था। इवन केमिस्ट्री में भी मुझे थोड़ी दिक्कत हुई थी, बट मैंने हर टीचर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे थे 2x पे, तो उससे हो गया था। फिर एक बार जब सब कुछ सेटल हो गया था उसके बाद हार्डली कभी मुझे फिजिक्स में बैकलॉग हुआ। ठीक है। जैसे कभी कभी एक क्लास छूट गई, टाइमिंग मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, तो स्कूल भी जाते थे तुम राइट, है ना, बाद में? हाँ ठीक है। कोविड जब नहीं था तो स्कूल भी जाना होता था तुम्हें। कितने हाँ घंटे जाते थे स्कूल, कब से कब तक? सुबह 7-8 बजे से लेके ज्यादा देर तक का नहीं होता था, 12 बजे तक, चलो बिकॉज वेरी गुड, कोविड में जल्दी छुट्टी भी हो जाती थी। ठीक है चलो अच्छी बात है। तो जब स्कूल टाइम में जब भी क्लासेस देखो तो नेक्स्ट क्लास होने से पहले पुरानी क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, बिकॉज फिर अगली क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो वो एक मेरा रूल था कि अगली क्लास में बैठने से पहले पुराना वाला देख लो, वरना अगली भी छोड़ दो और अगली की भी रिकॉर्डेड देख लो। जैसे जब लाइक फिजिक्स का टाइम चल रहा है उस समय तुम पुराने वाले का लेक्चर देख लो, इसकी जस्ट उसके बाद देख लेना। तो कभी लंबा बैकलॉग नहीं हुआ मेरा, मैंने तुरंत खत्म किए थी चीजें, वेरी गुड। उस बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, स्पेशली फिजिक्स में। बाकी सब्जेक्ट में कुछ हुआ था बैकलॉग, क्योंकि तुमने कहा स्पेशली फिजिक्स, मतलब बाकी सब्जेक्ट में कुछ हुआ था, दिक्कत आई थी? हाँ, बायो में थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि बीच में जैसे मेरे सर थे वैभव सर, वो बहुत लेट नाइट क्लास लेते थे, तो कभी सुबह एग्जाम है स्कूल के लिए, जो थोड़ा जल्दी सो जाना है तो क्लास छूट जाते थे। तो हाँ, तो जैसे एग्जाम का पूरा वीक चल रहा है स्कूल में, तो एक हफ्ते की क्लासेस छूट गई तो उसका थोड़ा भारी पड़ जाता था। फिर वो कैसे कवर बाकी करते थे, वो करंट टॉपिक के साथ करते थे बस? जब वही तुम्हें, वही तुम्हारा पहले से ही तुम्हारा वो हैबिट हो गया था कि अगर बैकलॉग हुआ तो 2x पे देखना है, टू और एक्स ने मुझे 2 साल में इतना हेल्प किया है। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस 2x पे देखी थी। अच्छा और मतलब मैं सोच रही थी कि थ्री यूट्यूब पे एक्स कौन से क्या वीडियोस है। देखे थे, हाँ यूट्यूब पे कौन से वीडियोस देखे थे? यूट्यूब पे जैसे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियोस, अच्छा कभी आप कुछ वीडियोस बोलते थे देखने के लिए यूट्यूब से, वो सब भी मैंने मोस्टली 2x पे ही देखा है सब कुछ। चलो अच्छी बात है। वैसे मैं भी जब यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, मेरी भी हैबिट हो गई है 2x पे, मुझे चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। संदीप, संदीप तुम्हारा तो मेरे ख्याल से तुम तो आए थे, मतलब बहुत ही लेट आए, तुम्हारा तो पूरे बैकलॉग था, बता दो एक सर बार। 2x 2x जिंदाबाद तुमने भी पूरा 2x वगैरह है और साथ में सर नोट्स टू बनाए, एक्स और हाँ तुमने, सर है ना, ठीक है, तुमने पूरी फिजिक्स कितने मंथ में कवर करी थी मुझे एक बार बताना? तुमने फेफ से स्टार्ट करा था ना? सर मई के लास्ट तक, मतलब जून का शायद पहला वीक तक ही मेरी
चल रही थी, मतलब तब तक मेरी पूरी मतलब कुछ कुछ मैं मार्च, रिवीजन अप्रैल, भी कर रहा मई, था। जून, लगभग 5 मंथ में कर दिया। अच्छा, जून हाँ के स्टार्टिंग तक मैं खत्म कर दिया था। हाँ फर्स्ट फर्स्ट वीक तक ऑलमोस्ट मैं फिर लग रहा था। हाँ मेरा मतलब एक होता है कि फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट हुआ है तो टेंशन बहुत है, बट जून के फर्स्ट वीक तक जब पूरा हो गया तो फिर बहुत स्टेबल सी वो आ गई कंपनी। ठीक है, पर मैं बता देता हूँ, संदीप पहली बार नहीं पढ़ रहा था, संदीप वॉज ए ड्रॉपर, तो उसने इससे पहले पढ़ा तो हुआ था, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई हुआ था ना, तो हाँ कोई फ्रेशर देख रहा होगा कि मैं भी अब साढ़े, नहीं तो ऐसा नहीं होने वाला ना, जल्द और जल्दबाजी है ना, जल्दबाजी का काम हाँ खराब होता है, याद रखना है ना, वो यस सर उसकी मजबूरी थी, शॉर्टकट संदीप की मजबूरी थी। अगर संदीप ने सेप्टेंबर में ज्वाइन करा होता तो आराम आराम से चलता, और उसने एस नहीं पूरी खत्म कर ली होती, फिर 180 यस से ज़्यादा सर नंबर लेके आ गया होता अभी। नहीं सर, बट मतलब ये था कि मुझे एक होता है ना पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा अपने आप ही एक लेवल मतलब अपने आप को लगता है कि कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, और धीरे धीरे जैसे डीपीपी के क्वेश्चन हो गए वो सॉल्व करने से, और काफी मतलब एक होता है स्टडी मटेरियल अपनी रिसोर्स लिस्ट कंप्राइज करके सिर्फ इसी चीज को फॉलो करना है, स्ट्रेटेजी बना के मैंने। और सबसे ये कि गौरी ना 2x उसने सर बहुत ज्यादा कि मैं 5-6 लेक्चर भी मतलब मैंने किए थे मतलब एक दिन में, क्योंकि 1.5-1.5 घंटे के होते थे लेक्चर, उसमें सर सही टाइम लग जाता था, तो आठ 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 घंटे मतलब सर 7 से 8 घंटे शायद मैं यही कर रहा था। फिजिक्स, हाँ फिजिक्स ही कर रहा क्योंकि था और तुम्हारी जो कि बायोकेमिस्ट्री तैयार थी लगभग बहुत अच्छे लेवल पे ना। हाँ बायोकेमिस्ट्री मतलब ठीक चल रही थी, केमिस्ट्री भी सेल्फ केमिस्ट्री सेल्फ स्टडी से कर लेता था, बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था, चलो, वेरी गुड वेरी तो गुड वो वेरी खुद गुड। से और फिजिक्स के लिए ही टाइम दिया था जितना मतलब मेरे को वो करना है क्या बोलते हैं थ्योरी टाइप जो भी है लेक्चर्स हो गए कॉन्सेप्ट हो गए वो फिजिक्स के मैं कर रहा था। ठीक है अश्विनी भाई, तुम्हारे बताओ भाई, कभी कुछ बैकलॉग हुए, क्योंकि तुम बनी रेस्टोरेंट थे राइट, है ना, यस तो सर ड्रॉपर है ना, तो हुआ था कभी लेक्चर में से हुए बैकलॉग हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ कि तुमने होने ही नहीं दिया, क्या सीन था, नहीं सर, हुआ था बीच चलो में तो कोई बैकलॉग। भैया की शादी आ गई थी, तो 5-6 दिन का बैकलॉग हुआ क्या था, हुआ था? 5-6 दिन का बैकलॉग हो गया था मेरे, तो अच्छा ठीक है, तो फिर सर हाँ ज्यादा दिन थे नहीं, तो मैं डेली 1-2 लेक्चर मतलब एक्स्ट्रा देखता था, ठीक है, एंड बायो मैंने सेल्फ की थी तो इतनी दिक्कत हुई नहीं मेरे को, हो जाता बायो था में क्या करा इजीली, था? बायो सेल्फ किया था सर अच्छा बायो पूरा। तैयार था पहले से तैयार था है, ठीक है, तो मेन तुम्हें यस फिजिक्स और सर, केमिस्ट्री तैयार करना था, यस सर, चलो अच्छी बात है, तो तुम्हारा हो गया होगा 5 दिन का, तो मतलब मुझे लग रहा है कि कर लिया होगा टॉलरेट, है ना, इतना इश्यू नहीं हुआ होगा ना, यस है ना, ठीक है चलो अच्छी बात है। तो आई थिंक एक चीज़ सबने देख लिया ना कि बैकलॉग इज़ द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, है ना, ये वो बच्चे हैं जिनके बैकलॉग हुए थे और खतरनाक खतरनाक लेवल पे बैकलॉग हुए हैं ना। और अगली चीज़, दो बच्चे गौरी और ओम दोनों के दोनों स्कूल जाते थे, स्कूल का भी कर रहे थे, और उसके साथ भी उनके बैकलॉग हुए, टेस्ट भी दिए इन लोगों ने और फिर कवर करे और इतनी अच्छी रैंक्स लेके आए, है ना, डबल डिजिट रैंक है, 3 डिजिट रैंक है फिजिक्स में, फुल में से फुल मार्क है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोर्स, और कवर करने में हालत ख़राब हो जाएगी ये भी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बहुत मुश्किल होता है पर होता है, पर होता है ना, तो वो ये फाइट मानना होता है, फाइट मानना होता है।